मैच नंबर सिक्सटी थ्री जो कि है गुजरात टाइडंस वर्सेज बीच में और ये मैच हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो मजा आएगा शुभमन गिल लास्ट मैच में शतक लगाकर आ रहे हैं सुदर्शन शतक लगाकर आ रहे हैं बड़ी गजब की पारियां खेली दोनों ने यार अच्छी पारियां दोनों ने खेली और जीत तब दिलाई जब टूर्नामेंट में आगे कुछ उनका होना नहीं है पर जब इस टीम से ये भिड़ेगी यानी के के आर से भिड़ेगी के आर तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है तो गुजरात तो बस अब क्या ही करेगी केके आर की पार्टी खराब करके भी क्या करेगी कुछ भी नहीं होना अपनी पार्टी सुधार ले कुछ अपनी पार्टी सुधार ले वो जो ऊपर जाती हुई टीम है उनको थोड़ा सा गिरा दे वही करेगी exactly. और देखना होगा कैसा रहता है स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर और जीत सकते हैं रियल कैश स्टैट्स प्रो की बात करने वाले हैं मार्केट्स ऑफ द डे की बात करने वाले हैं तो स्टैट्स प्रो पे बेसिकली आप खेल कैसे सकते हैं लाइव मैच देखते देखते कैसे जीत सकते हैं रियल कैश ये सब मैं आपको बताने

मेरे हिसाब से इस पर टॉस का फैक्टर काफी मैटर करता है पर अगर आप मेरे दिल की सुनो तो मैं तो के के आर की तरफ जाऊंगा ओके okay, मैं भी के के आर की तरफ जाऊंगा मेरा भी दिल दिमाग डेटा कहता है भाई जिस तरह से ये टीम खेल रही है गौतम गंभीर की मिनटोशिप में मेरे को लगता है यहाँ पर दे आर अनस्टॉपेबल और वो आगे थोड़ा सा और जीटी को थोड़ा तंग करेंगे और उनका मूड खराब करेंगे तो जैसे कि मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर जाके पांच रुपए पे या तो मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ क्योंकि गेम थोड़ा सा तो टफ होगा ही क्योंकि शुभमन गिल भी रंस बनाकर आ रहे हैं तो मेरे को लग रहा है टफ कॉम्पिटिशन तो देंगे तो यहाँ पर चार रुपए के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और सौ कॉन्टेस्ट में एंटर करते हैं तो आपको यहां पर 400 की इन्वेस्टमेंट में 600 सौ मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पर नो पे क्लिक करते हैं और मेरा ओपिनियन नो पे रहेगा हम राइट स्वाइप करेंगे और यहाँ पर हम करके कॉन्टेस्ट में एंटर उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे चले हम तो वहां पर और भी बहुत सारे सवाल हैं और उनमें से एक सवाल है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर वन एटी और मोर रंस इन ओवर्स ऋतिक आपको क्या लगता है तो जय मेरे हिसाब से एक बार आप आंकड़ों की तरफ देखो तो ज्यादा बेहतर रहेंगे मेन्यू स्टार्ट की तरफ इसमें हम इंटर्ज कर देते हैं वो ये है कि टोटल टी ट्वेंटी मुकाबले नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम में हुए हैं अट्ठाइस पंद्रह जीते हैं पहले बैट करने वाली ने सत्रह मैच जीते हैं बैट सेकंड करने वाली ने तो मेरे हिसाब से अगर आप पिछला मुकाबला भी उठा के देखो जी टी वर्सी सी के तो पहली पारी में बना दिया था उन्होंने 200 प्लस स्कोर शुमन और साई ने सेंचुरी लगाई थी तो मेरे हिसाब से बहुत आसान है पहली पारी में 20 ओवर में जितने आपने रन बताए उतने रन लग वन एटी नाइन और मोर लग सकते हैं मेरे हिसाब से हां दोनों की टीम्स के जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में है, बल्ले हैं बल्लेबाजी काफी स्ट्रॉन्ग है उधर से सुनील नारायण लगा देते हैं आजकल अस्सी नब्बे रन तो कुछ भी पता नहीं चलता उनका तो मेरे को लगता है भाई बड़े आराम से बन सकते हैं आप यहाँ पे येस पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर हम येस पे आके चार के रेट पे अगर जाएं यहाँ पे चार साढ़े चार भी चलो रख लेते हैं इस बार तो हम यहाँ पर रखेंगे सौ कॉन्टेस्ट में एंट्री साढ़े चार सौ की एंट्री पे हमें साढ़े पाँच सौ रुपए रिटर्न मिल सकते हैं तो भाई अच्छा है बुरा तो नहीं है मैं यहाँ राइट स्वाइप कर देता हूँ और यहाँ पर मिल गए हमको कॉन्टेस्ट में हम कर गए एंटर अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर एक पावर प्ले का भी आएगा गुजरात विल स्कोर 54 और मोर रन इन सिक्स ओवर्स और एक और है सवाल ऋतिक कोलकाता विल स्कोर 53 और मोर रन इन सिक्स ओवर्स आप कौन सा लेना चाहोगे 54 का गुजरात का है 53 का कोलकाता का सवाल का मैं सेफ साइड चला जाऊंगा तो के के आर के ओपनर तो बना देंगे <laughs> और पिछले मैच में चलो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण जल्दी आउट हो गए बुमराह तो बुमराह ही है अगर आप बात करें तो पहली गेंद पर ही बोल्ड मार दिया था नारायण को पर ठीक है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर वो खेल जाएंगे और आई थिंक बड़ा आसान होगा उनके लिए छः ओवर में तिरपन बनाना देखते हैं क्या होगा और मैं भी यहाँ पे यस पे जाऊँगा कोलकाता की फिफ्टी थ्री पे और फॉर uh, एग्ज़ाम्पल चार पे रखते हैं हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी चार रुपये के इन्वेस्टमेंट और सौ कॉन्टेस्ट में एंट्री हम ले लेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलें और यहाँ पर आ गया है सवाल कि शुमन गिल विल स्कोर थर्टी और मोर रन यस और नो क्या कहते हैं आप भाई आ, मेरे हिसाब से इस पे कर दो नो अगला शुमन गिल का हम वैसे अगर आप देखें ना तो स्टॉक भी उठा लेते हैं हम शॉर्ट पे ओके क्योंकि शुमन गिल ने सेंचुरी लगा दी है

जीटी और आप केकेआर आर की जो हम हमेशा से बात करते हैं दोनों हेड टू हेड की हेट, हेट तो, हेट थी। तो वैसे अगर आप देखो तो तीन मैच हुए जिसमें से तो जीटी दो जीती है और केकेआर आर जीती है एक अब के के आर की बारी है उसको दो दो करने की देखते हैं मैं भी यही चाहूंगा कोई एक यार दो दो करे लेकिन कोई भी टीम जीते यहाँ पर किसी का कुछ खास बिगड़ना नहीं वाला ना बिगड़ना ना तो ज्यादा हम लेकिन फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर सही चीज़ें प्रिडिक्शन करके अपने दिल दिमाग और डेटा का इस्तेमाल करके स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर शुभमन गिलविस्ट को थर्टी और मोर तो यहाँ पर रहते मैं शुभमन गिल के इस पे भी नो जाता हूँ और यहाँ एंटर करेंगे साढ़े पे और सौ कॉन्टेस्ट फोर पे देखना होगा क्या होता है तो ये तो हो गई बात मार्केट डे की अब चलते हैं सीधा आज के बाजीगर की तरफ कि कौन से होंगे वो बाजीगर जो आपको अपनी फैंटेसी टीम में रखने होंगे और वो आपको ढेर सारे पॉइंट जितवा कर देंगे वो बताएंगे हमारे ऋतिक जी बिल्कुल तो क्लासिक फैंटेसी इस मुकाबले की कैसी होगी मैं बताता हूँ कैसी होगी बताओ बताओ विकेट कीपर्स में फिल सॉल्ट बैटर्स में श्रेयस अयर वेंकटेश अयर साइन सुदर्शन और सुम्मन गिल ऑलराउंडर्स में आंद्र रसल सुनील नारायण बोलर्स में वरुण चक्रवर्ती मिथुल स्टाक हर्षित राणा और राशिद खान वाइस कैप्टन रहेंगे आंध्र रसल सुनील नारायण रहेंगे कैप्टन तो यहाँ मैंने जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए हैं वाइस कैप्टन मेरे आंध्रे रसल हैं और कैप्टन है सुनील नारायण तो मैं दोनों को लॉन्ग पे जा रहा हूं आप कैसे देखते हो इस चीज को मेरे हिसाब से सही है भाई दोनों के दोनों प्लेयर जो हैं वो तगड़े हैं और दोनों के दोनों खास बात ये है कि बैटिंग और बॉलिंग

अब नहीं करेगा कोई गुमराह क्योंकि यहाँ पर सुनील नारायण के पास का ना तोड़ नहीं है सबके पास उनका सुनील नारायण का बेसिकली तो मेरे को लगता है कि हो गया पहले वाली बात लेकिन इस मैच में वो रन्स बनाएंगे और देखना होगा बड़ा मैदान है तो बाउंड्री ज़्यादा लगाएंगे मेरे को ऐसा लग रहा है देखने वाली बात होगी और उसके साथ साथ ऋतिक अगर बात करें हम स्टॉक्स की तो आपने स्टॉक्स का बता ही दिया लॉन्ग पे जाएंगे हम यहाँ पे नारायण और रसल के साथ और शॉर्ट पे किसको देख रहे हो आप मैं गिल को देख रहा हूँ जैसे मैंने अभी बताया था ना एक्सैक्ट exactly, मैं गिल, गिल को देख रहा हूँ मार्केट तो डे में हमने ऑलरेडी गिल को थोड़ा सा नो पे कि उनके तीस से ज्यादा रन नहीं बनेंगे तो तो इधर हमने टीम में उनको रखा जरूर है लेकिन उनका स्टॉक जो है वो हम शॉर्ट में खरीदेंगे बिकॉज हमें नहीं लगता कि वो ज्यादा रन बनाने वाले हैं और लॉ ऑफ एवरेजेस कह लो या कुछ भी कह लो वो कंसिस्टेंसी इस पूरे सीजन में देखने को नहीं मिली है शुभमन गिल से तो मेरे को लग रहा है कि एक अच्छी पारी आ गई है और अब अगले मैच में शायद थोड़ा सा वो जल्दबाजी करे और आउट हो जाए पॉसिबिलिटी है और गौतम गंभीर सामने होंगे तो उनके पास सारे प्लान होते हैं रेडी तो मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे तो भाई साहब ये सब बातें तो हो गई फैंटेसी टीम के बारे में बता दिया और आगे भी हो गई मार्केट से द डे और स्टॉक्स वगैरह की सब बात हो गई लेकिन हमारी ऑडियंस इंतजार करती है गिव अवे का भाई साहब तो गिव अवे अब आ गया आपके पास मेरे को पता है आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे लेकिन ऋतिक अब बताने वाले हैं कि आज के गिव अवे का क्वेश्चन क्या है तो आज के गिव अवे का जो जबरदस्त सवाल है वो है अगर हमारे दर्शक बता दें कि मिचल स्टार्क कितनी विकट लेंगे हम्म स्टार्क ट्रिकी क्वेश्चन है भाई ये ट्रिक तो आसान कर दूं क्या नहीं नहीं आसान मत करो ये तो होना चाहिए हमारी ऑडियंस कौन सा इतनी सीधी सीधी है वो भी बहुत स्मार्ट है वो समझ जाएंगे उनका एनालिसिस जो है दिल दिमाग डेटा का वो बहुत ये भी एक तरीके से मेरी तरकीब है क्योंकि मैं इतने दिनों से जो गिव अवे दे रहा हूँ कभी मैन ऑफ द मैच का पूछता हूँ कभी ये पूछता हूँ तो सब बताने लग गए हैं बहुत आसानी से हाँ और अब का? जो कि मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा हमें अपना लेवल भी ऊपर ऊपर करना पड़ेगा लेवल क्योंकि सबके निकलेंगे क्योंकि आपकी नॉलेज नॉलेज बढ़ेगी बढ़ेगी हमारी धीरे धीरे exactly. exactly. और लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसी के जो टिका बिल्कुल।, बिल्कुल तो टिके रहना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहना अपनी प्रेडिक्शंस करते रहना बिकॉज ऋतिक और मैं हम आपके लिए डेली वीडियोस लेकर आते रहते हैं और साथ में डेली नए नए गिवेस भी लेकर आते रहते हैं और जिनकी प्रेडिक्शन सही हो रही है उनके और जिनकी प्रिडिक्शन सही हो रही है उनके जो ओवरऑल स्पोर्ट्स बाजी का जो वॉलेट है उसके अंदर पैसे भी आ रहे हैं कैश बोनस आ रहा है और उनके पास के सारे प्राइजेस पहुंच रहे हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है हम हाँ, दे रहे हैं इस चीज की वहां पे मिलेगा आपको और उसके साथ साथ बस प्रिडिक्शन कर दो आप वहां पर कॉमेंट प्रिडिक्शन करने के बाद मिलेगा क्या ये तो बताने दो तो मुझे सॉरी माई बैड हाँ तो स्टार्ट हो गया थोड़ा सा ना बिल्कुल वो तो होने की बात है वो तो जब पैसे आते हैं अकाउंट में तो एक्साइटमेंट हो ही जाती है खैर पर लेकिन मिजल स्टार्क कि अगर ये बता दें कितने विकटे लेंगे जी के खिलाफ तो एक तो स्पोर्ट्स बाजी की तरफ से मर्चेंडाइज तो मिलेगी मिलेगी वो तो है ही बात पर फाइव हंड्रेड कैश बोनस प्राइज भी तो मिलेगा फाइव हंड्रेड कैश बोनस प्राइज तो किस चीज का सिर्फ और सिर्फ जो बातें आप जनरली दोस्तों के बीच में करते हो कि कौन सा प्लेयर कितने विकेट्स लेने वाला है कितने रंस बनाने वाला है इन सब चीजों को आपको बस में लिखना होगा प्रडिक्शन करनी होगी शाम को मैच शुरू होने से पहले साढ़े सात बजे से पहले डेडलाइन क्लोज हो जाएंगी और जिन जिन लोगों ने ये प्रडिक्शन सही की होगी उनको गिव के प्राइजेस भी मिल जाएंगे उसके साथ एक और कंडीशन जरूर है कि आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना होगा और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा तभी ये कंडीशनल ऑफर है तो बेसिकली आप पहले वहां पर जाए अपना बेसिकली तो आप पहले वहां पर जाए हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जाके ज्वाइन कर ले और उसके बाद यहां पर आई कमेंट्स भी कर दें साढ़े सात बजे से पहले और अगर आपका कमेंट सही होता है प्रोडिक्शन सही होती है तो आपको गिव अवे प्राइज मिल जाएगा श्योरली तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स वॉदी शो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू